ये देखिए फ्रेंड, इस भीषण तपती गर्मी में भी अपने गार्डन में अगर थोड़ा सा और ज़्यादा कलर ऐड करना है तो इसके लिए हमारा कोलियस का प्लांट सबसे बेस्ट प्लांट है। मेरे पास तो एक ही कलर है। और देखिए, इसको ब्राइट लाइट में रखना होता है, तो आप ऐसे झुंड में प्लांट्स के नीचे इसको रख सकते हैं। इससे इसको ठंडक मिलती रहती है, छांव भी मिलती रहती है और बहुत सुंदर सा ये कलर ऐड करते हैं। तो आज हम इसकी कुछ कटिंग लगाने वाले हैं। ये देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे प्लांटर में मैं फोलियस ग्रो करती हूँ, जिससे ज़्यादा गमलों की भी ज़रूरत ना पड़े और गार्डन मेरा हरा भरा रहे। मैं पॉली बैग में और बॉटल प्लांटर में ही इसको लगाती हूँ। तो आज मैं सोची इसका थोड़ा और कटिंग लगा लूँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो चलिए हम इनकी कटिंग ले लेते हैं। ये देखिए, और इस गर्मी में भी इसकी कटिंग बहुत ईजिली लगने वाले हैं। और कटिंग करने से देखिए, ये प्लांट पहले से ज़्यादा बुशी हो जाएगा। कुछ हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके का कटिंग लेना है। चलिए, एक हाथ से मेरे को बन नहीं रहा, मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सारे कटिंग मैंने ले लिए हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसकी दो कटिंग भी आप निकाल सकते हैं इनको अलग अलग, पर मैं इसको यहाँ से लगा दूँगी तब भी लग जाएगा। और ये देखिए, बस एक या दो नोड नीचे जाना चाहिए, नीचे की पत्तियाँ हटा देना है। पूरी पत्ती आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है कोलियस प्लांट में। ये देखिए, ऐसी कटिंग आपको लेनी है। आप चाहें तो इसके नोड एरिया पे आप एलोवेरा लगा सकते हैं। हर गार्डन में एलोवेरा होता है। एलोवेरा बहुत अच्छा रूटीन हार्मोन का काम करता है। और मैं यहाँ पे रखी नहीं हूँ तो मैं नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही लगा दे रही हूँ, पर इसमें लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, और ये देखिए, मैंने इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल भुरभुरी सी। इसमें गार्डन सोयल के साथ रेत की मात्रा और थोड़ा बहुत कंपोस्ट आप जो भी यूज करते हैं अपने गार्डन में, तो वो आप कटिंग में वैसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप रेत लीजिए और अपना गार्डन सोयल ऐड करके फंगीसाइड मिला के आप लगा सकते हैं। फंगीसाइड के लिए देखिए, मैंने ये राख लिया है, ये सब सारे पॉट्स में मैंने भर के। कुछ तो पहले से इसमें कोलियस लगे हुए थे जो ख़राब हो गए, तो मैं उन्हीं को यूज कर रही हूँ वापस से, उनकी मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से। ये देखिए, ये छोटे छोटे वेस्ट डब्बों में जिनको आप बाहर फेंक ही देते हो, अब इसमें देखिए हमारा छोटा सा कोलियस का मिनी गार्डन बन जाएगा। आप देखते रहना। और मिट्टी मैंने बताया जैसे, और मेरी मिट्टी, मैं हमेशा प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ तो नीचे मेरे खाद बनते रहते हैं, मैं वही मिट्टी कलेक्ट करके रख देती हूँ, तो वो मेरे कटिंग लगाने के भी काम आते हैं और प्लांट्स लगाने के भी। देखिए, बहुत भुरभुरी बेल्डर सी मिट्टी रहती है मेरी। ये देखिए, जो हाथों से टूट जाए, इसमें कुछ भी ऐसा, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होता है इसमें, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है कहीं से भी। तो चलिए फिर मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और कोलियस का क्या है कि परमानेंट प्लांट ये होता है, ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है, पर एक ही प्लांट हमेशा नहीं चलता। हम गार्डनर्स को पता है, जो बिगनर्स होंगे उनको शायद ना पता हो कि एक ही प्लांट हमेशा नहीं चलता। इसलिए इसकी समय समय पे, मैं तो इतनी आलसी हूँ पर कोलियस की कटिंग लगाती रहती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो प्लांट लगता है ना, कि नहीं इसका होना ज़रूरी, मैं उसी प्लांट की कटिंग लगाती हूँ। नहीं तो कट प्लांट्स बढ़ाना मेरे को नहीं पसंद है अभी, क्योंकि जो लोग किसी को देना भी तभी अच्छा लगता है जब वो प्लांट्स की कदर करें। कभी कभी तो लगता है सारा मेहनत हम करें और बना बनाया प्लांट उनको मिल जाए फ्री में, और जिसका उनको कोई वैल्यू भी नहीं रहता है उतना, उतना ध्यान भी नहीं देते, तो ऐसे लोगों को देने का भी मन नहीं करता। और प्लांट्स अगर आपके गार्डन में हैं
तो फेंकने का भी मन नहीं करता, तो इसलिए मैं ज़्यादा कटिंग नहीं लगाती हूँ। अब मेरी नाग चंपा की भी एक कटिंग अपने आप ही टूट गई। ऊपर से कुछ सामान मेरा बेटा नीचे लेके जा रहा था और उस पर झटके लगे और अच्छा खासा मैरून वाले चंपा का एक ब्रांच टूट गया। तो अब उसको मैं कहीं ना कहीं गड़ा ही दूंगी, उसको फेंकने का मन ही नहीं कर रहा, उसको लगना ही लगना है। अगर आप में से कोई मुझे बताए, सलाह दे कि मैं अपने प्लांट्स थोड़े बहुत सेल कैसे कर सकती हूँ जिनको ज़रूरत हो नर्सरी रेट से, तो कम रेट में ही मैं अब प्लांट्स दे दूँगी। और अच्छे अच्छे प्लांट जैसे ब्रह्म कमल के हैं, जीजी प्लांट हैं, महंगे महंगे प्लांट हैं, जो मैं दो से ज़्यादा अपने गार्डन में नहीं रखना चाह रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होता ना। दुनिया में सैकड़ों वैरायटी के प्लांट्स होते हैं और हर गार्डनर्स की इच्छा होती है कि हम वो सारे प्लांट हमारे गार्डन में हो, सारी वैरायटी हो, सारा कलेक्शन हो। तो उसके लिए पॉट, मिट्टी, देखभाल, जगह सब लगता है ना। तो इसीलिए एक ही वैरायटी के बहुत सारे प्लांट मैं रखना पसंद नहीं करती। ऐसे दबा देना है, देखिए इसमें एयर पॉकेट ना रहे और दो से तीन नोड कम से कम मिट्टी के अंदर जाए। और बाद में बहुत जल्दी इसमें एक सप्ताह में रूट बन जाते हैं। और आप चाहो तो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस इसमें पानी देते रहें और बिल्कुल तेज़ धूप में नहीं रखें और इसी में चलने दें। और अगर आपके पास थोड़ा बड़ा प्लांटर खाली हो तो रूट बनने के बाद आप इनको बड़े प्लांटर में भी शिफ्ट कर दें, तब भी चलेगा। तो मेरे को यही जानना था कि आजकल प्लांट्स नर्सरी में बहुत महंगे आ रहे हैं और चूँकि हम वही प्लांट्स कटिंग से बहुत आसानी से अपने गार्डन में वो कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, तो हम उनसे सस्ते दामों में भी उनको दे देंगे जो भी ज़रूरतमंद है उनको, जिनको प्लांटिंग का, गार्डनिंग का शौक है और जो प्लांट्स की इज्जत करते हैं। तो ज़रूर इस बारे में थोड़ी बहुत आप सबको जानकारी हो तो मेरे को बताइएगा, मैं पूरे में लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपसे बात करते करते मेरे इतने सारे कटिंग लग गए, 10 से 11 प्लांट मेरे कोलियस के, देखिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्लांटर में। और इनको पेंट करना भी ज़रूरी मैं इसलिए नहीं समझती कि ये सब कवर हो जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। वैसे भी पेंट मैं करने का मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। और ये प्लांट सेल करने के बारे में मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्म कमल का प्लांट है, जीजी प्लांट है, जेट प्लांट है, और ये सारे प्लांट मेरे पास हैं, फ्री में ही मैंने कटिंग से बनाया है। और आप सबको पता है कि ये सारे प्लांट एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, ब्रह्म कमल है, जीजी प्लांट है, जेट प्लांट है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर ऐसा कोई तरीका हो कि मैं उनको सेल कर सकूँ बहुत कम रेट पर, तो मैं उनके और प्लांट बनाऊँ, नहीं तो मुझे बेकार में प्लांट बढ़ाने का मतलब शौक नहीं है, उनको रखने का मेरे बहुत दिक्कत हो जाता है। और आस पड़ोस में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते प्लांट्स को लेके तो ऐसे लोगों को देने का भी इच्छा नहीं होता। तो ये मेरे इतने प्लांट देखिए रेडी हो गए, देखते देखते बात करते करते अब इनको मैं कहाँ रखूँगी ये भी दिखा देती हूँ आपको। इस सब में मैं थोड़े थोड़े पानी, मिट्टी पहले से ही गीली थी पर तभी भी डाल दे रही हूँ, फिर इसको चेक करके ही पानी डालना है। मिट्टी पूरी तरीके से सूखनी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको रख देते हैं सही प्लेस पे। ये देखिए, ये रही वो जगह, ये बक्से में पहले से मिट्टी है, मैं कुछ लहसुन वगैरह इसमें ग्रो करती हूँ, बिल्कुल टूट चुकी है। तो यहाँ एक
स्टडी प्लेस भी है और नीचे इनको मिट्टी से मॉइस्चर मिलता रहेगा। अगर मिट्टी हम बक्से की मिट्टी गीली रखें तो इनमें ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ओवर वाटरिंग की भी शिकायत नहीं रहेगी। तो ये देखिए अब यहीं पर ये ग्रो होते रहेंगे। तो बस फ्रेंड यही थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।